चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस इमेज को यहाँ पे लाएंगे जो हमने सेव किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, यहाँ से हमने आना है व्यू इमेज फाइल पे। ठीक है, व्यू इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने पाथ जहाँ पे सेव किया है तो हमें यहाँ से देखना है कौन सी, ये वाली चेयर थी पैनल चेयर। ठीक है, इसलिए नेम दिया था इसको, ये आ गया देखो ये। ठीक है, ये अब इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, कहाँ पे, ये कमांड पैनल के थोड़ा इधर। अब मुझे ये टॉप व्यू से क्रिएट करना है। कल मैंने बताया था ना, टॉप व्यू से क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके डायमेंशन हमें बाद में एक्यूरेट मिलते हैं। तो टॉप व्यू जैसे ये है, अब सपोज करो मुझे ये चेयर बनानी है, ये वाला जो ऊपर का ये बेस है, पहले ये बनाना है। ठीक है, तो ये बनाता हूँ मैं बॉक्स से। तो बॉक्स मैंने क्रिएट किया, यहाँ भी जो देखो ये प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पे, ब्लैक डार्क लाइन का, इट मीन्स कि ये ग्रिड का सेंटर पॉइंट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बॉक्स क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने इसकी हाइट बढ़ाई, कैसे, माउस को थोड़ा आगे ड्रैग किया और उसके बाद क्लिक कर दूंगा लेफ्ट बटन, और देन उसके बाद मूव टूल, मूव टूल मतलब डब्ल्यू प्रेस कर दूंगा ताकि इस कमांड से मैं हट जाऊँ। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया तो देखो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका डायमेंशन थोड़ा, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके छोटा कर लो। ठीक है, दिख रहा है आपको ये, इधर से भी आप इसको ऐसे कर लो। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया साइड पे। ठीक है, यहाँ क्योंकि मुझे ये भी देखना है पर्सपेक्टिव व्यू में। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैक्सिमाइज करने का क्या होता है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, मैंने पहले व्यू पे क्लिक करना है, देन ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब हमें इसके डायमेंशन चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज कर दो पहले, ये ठीक ढंग से हमें इसके एजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं ना इसके साथ, क्योंकि कलर वैसे हो रहा है। तो इसको ग्रे स्केल मोड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इसको ग्रे स्केल मोड पे मैं ये वाला पिक कर देता हूँ, या इनमें से आप पिक कर लेना, ओके कर देना। तो अब इसके साथ क्या होगा, जो एजेस फेसेस मोड दिखेंगे वो आपको दिख जाएगा। तो एजेस फेसेस मोड पे देखने के लिए क्या करते हैं, F4, देखो F4 प्रेस किया मैंने। ठीक है, ये देखो एज दिख रहे हैं। किसी के सिस्टम में या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, Fn के साथ F3 F4 का फंक्शन एक्टिव होता है। तो वो कोई F4 प्रेस करेगा कि सर ने तो ये बताया कि F4 प्रेस करेंगे, ये तो आ नहीं रहा है, उसमें आपका Fn के साथ हो सकता है फंक्शन करे, एक्टिवेट होगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली किसी के कीबोर्ड में F4 से हो रहा है, किसी में Fn के साथ F4 से होगा। ठीक है, समझ गए, ये सिलेक्ट किया। देन अब मुझे क्या करना है, इसके एट्रीब्यूट्स देखने हैं, इट मीन्स कि इसकी डायमेंशन देखने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पे चला जाऊंगा, इसको बोलते हैं मॉडिफायर लिस्ट। तो मॉडिफाई करना है मुझे ये बॉक्स को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये आ गए इसके डायमेंशन। अब सबसे पहली चीज कि जो ये है, कौन सा वाला हिस्सा, इस चेयर का ये वाला जो ऊपर का ये पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये हमें बना रहे, इसको बनाना है हमें ना, तो ये बनाना है। तो इसके लिए क्या है, कितनी थिकनेस होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट इसकी तकरीबन 3 सेंटीमीटर के आसपास कर दो, या 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ये 32 सेंटीमीटर। इसको आप कितना करोगे, 2 के आसपास कर देना, पहले 2 देखना, 2 से कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ये 3 कर देना, 3 काफी है। क्योंकि अभी ये इतना पतला इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अदर्स पैरामीटर्स इसके ज्यादा है, तो उनको भी पहले सही करेंगे तो उसके हिसाब से ये दिखेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाइट तो मैंने ये दे दी, हाइट वाला फैक्टर कौन सा वाला है, ये जेड एक्सिस में जो ये दिखा रहा है ना ऊपर की तरफ, ये हाइट बढ़ाता है। देखो हाइट, देखो यहाँ दिख रहा है, ये हाइट वाला फैक्टर आ रहा है इसका। तो मैंने कितना दिया था, 3 सेंटीमीटर, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब ये वाला देखो, विड्थ, विड्थ मतलब कौन सा वाला पार्ट इसका दिख रहा है। तो यहां से मैं टॉप में जाऊंगा, टॉप में भी दिखना चाहिए मुझे कि कौन सा पार्ट विड्थ का दिखा रहा है। तो टॉप में विड्थ वाला पार्ट कौन सा है, देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा। तो इसको क्या करेंगे, कितना रखना है हमें, तकरीबन 1.3 मतलब 1.3, इसको ए फीट में 1.3, इसको एंटर के सामने सेमी कोलन में उसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो 1.3 के ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा इसको। कितना आ रहा है, 39 मतलब 1 फीट और 40 सेंटीमीटर के आसपास, 10 सेंटीमीटर और उसमें एक्स्ट्रा, 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है, तो 10 सेंटीमीटर और बढ़ गया, तो समथिंग ये है 1 फीट के आसपास ये शायद, ऐसे मान के चलो। ठीक है, अभी फिर उसके बाद ये वाला है, ये भी लगभग सेम होता है, थोड़ा इसको ज्यादा देते 1.5 दे देते इसको, कितना कर देता मैं, 1.5, और एंटर के सामने जो लेफ्ट साइड में है उसको सेमी कॉलम बोलते हैं, उसको ये किया तो आपको एक डायमेंशन ये मिल गया। देखो देखा आपको ये, है ना, तो मैं दोनों को अप्रोक्स इक्वल कर दूंगा, कौन सा वाला, वैसे ठीक है मेरे हिसाब से, पर थोड़ा सा
इसको मैं कर दूंगा, ये जो 39 वाला है ना इसको कर दूंगा मैं 45, इसको कर रहा हूँ तकरीबन 1.5 फीट का, ठीक है, और पीछे वाले को कर देता हूँ 50 सेंटीमीटर, इतना ठीक है, समझ आ गया इतना। तो ये कौन सा वाला पार्ट बनाया हमने, ये वाला ऊपर का, इतना सबको समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला पार्ट बनाना है, कौन सा वाला, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये लेग है ना इसका, सेम ये वाले बनाने हैं, तो हम चारों डायरेक्शन से बनाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो कॉर्नर होता है ना, कौन सा वाला, ये पीछे वाला, यहाँ से हल्का सा एक कट होता है, देखो ऐसे तिरछा कॉर्नर वाला एल शेप में ना कट होता है, ठीक है, वो भी हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आगे का पोर्शन बनाते हैं, आगे का ये लेग बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये लेग कहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से ना होके थोड़ा अंदर से कर रहे हैं ना, ये सेम चीज हमें यहाँ पे वही चीज करनी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ टॉप व्यू में जाऊंगा, अभी टॉप व्यू पे गया मैं, तो टॉप टॉप व्यू में आप देखोगे कि ये एक्यूरेट बीच सेंटर में नहीं है, तो आप उसको सेंटर में कैसे कर सकते हो, देखो ग्रिड के सेंटर में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है आपको सेंटर में करना है, तो इसको देखो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस वाले वैल्यू पे, देखो एक्स में, तो यहाँ पे लिया है इधर सेंटर, ये वाले को मैं भी क्या करूंगा राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अपने आप ही जीरो पे ले आएगा उसको, अब आ गया प्रॉपर सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे आइए टॉप में, तो टॉप में आने के बाद अब क्या करोगे, आप एक और बॉक्स लोगे, टॉप में ही क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या जो इसके लेग बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉक्स क्रिएट किया, और यहाँ पे मैंने इस जगह पे बनाया, इस जगह पे मैंने क्या ले लिया, बॉक्स इसका लेग बनाने के लिए, ठीक है, एक बॉक्स ले लिया। अब मैं आता हूँ इस वाले व्यू में, इस वाले व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू में। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि जमीन से कितनी हाइट पे चेयर का ये देखो जो बेस बनता है, वो जिसमें हम बैठे या बैठते हैं, तो वो कितनी हाइट पे होता है, ठीक है। नहीं, ये तकरीबन हमें 45 या 48 सेंटीमीटर के आसपास ऊपर करना है, तो डायरेक्ट मैं इसको अभी ग्रिड पे है ना ये, तो मैं इसको उठा के 48 सेंटीमीटर ऊपर करूंगा। तो अब मैं यहां से ऐसे कर रहा हूँ, देखो ऐसे, ठीक है, अब मुझे पता नहीं लग रहा है कि कितने सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, बट कैसे पता लगेगा आपको कि कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा रहा हूं मैं, इसको यहां से मेजर करते हैं, कौन सा, जेड एक्सिस, मैंने बताया था जेड एक्सिस दिख रहा है ये, तो मैं यहां से ऊपर कर रहा हूं इसको, तो यहां पे वैल्यू चेंज हो रही है इस जगह पे, इस जगह पे देख रहे हो, तो इट मीन्स कि यहां पे मैं डायरेक्ट क्या करूंगा 48 लिख दूंगा, तो वो उसको 48 सेंटीमीटर के अप्रोक्स उठा देगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, 48 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट एंटर कर देना, ये 48 सेंटीमीटर के आसपास इसने उठा दिया इसको बेस से, मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है, तो इसको 45 सेंटीमीटर कर देना, 45 सेंटीमीटर 1.5 फीट, ठीक है, इतना समझ आ गया, आ गया ना इतना समझ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि ये जो ये बनाना है, ये कितने सेंटीमीटर जमीन से कितने सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, 45, तो अप्रोक्स इसकी इसकी हाइट कितना करूंगा मैं, 45 सेंटीमीटर। तो ये जो ये लिया हुआ है, इसकी डायमेंशन चेक करेंगे पाँव के, ये तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं क्या करूंगा इसकी हाइट कितनी दे दूंगा, 45, तो अप्रोक्स ठीक उधर चला जाएगा जहां पे आया है। ये इसलिए गया क्योंकि हमने अप्रोक्स उतना ही उठाया ना, 45 फीट भी, देखो अब देखो प्रॉपर आ रहा है, इतना समझ आ गया सबको। नेक्स्ट, अब इसकी डायमेंशन एक जगह से तो हमने इसको सही कर दिया, तो मुझे ये लग रहा है कि इसकी थिकनेस थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए, तो 2 की जगह में से कितना करते हो, तो 3 किया था ना उधर, 3 किया था शायद, किसका, इसका जो ये है, 3 किया था ना, तो यहाँ पे 3, और सेम दूसरी जगह पे भी मैं क्या करूंगा 3, ठीक है, तभी क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा समथिंग, ठीक है, कितना समझ आया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसको टॉप व्यू में जाके फिर चेक करूंगा, यहाँ टॉप व्यू में गया मैं, तो टॉप व्यू में ये थोड़ा हल्का सा मैं पीछे लेके जाऊंगा, हल्का सा इतना और हल्का सा इतना, ठीक है, दिख रहा है आपको ये, ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक किया मैंने, और क्या करूंगा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। अब कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको उधर की साइड लेके जाऊंगा, किधर, उधर की साइड। अब देखो यहां दिख रहा है आपको ये, बट ग्रिड की वजह से सेम लाइन ग्रिड की भी आ रही है और बॉक्स की भी आ रही है ना, तो
तो ऐसे कंडीशन में आप ग्रिड हटाने के लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट जी, जी प्रेस कर देना, जी फॉर ग्रिड। तो कुछ देर के लिए आपके पास ग्रिड हट जाएगा, वापस लाने के लिए जी। तो अभी मैं इसको शिफ्ट के साथ कॉपी करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, किस साइड, इधर, क्योंकि दूसरा पाँव बनाऊंगा मैं इसका। तो यहाँ पे आप देख लेना, मैं इस जगह से यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ कॉपी, शिफ्ट प्रेस किया, और ये देखो एक्स एक्सिस में मैंने इसे ड्रैग किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपने, इंस्टेंस, ना कि कॉपी, क्योंकि आप इसमें अगर कुछ चेंजेस करोगे बाद में तो सेम चेंजेस उधर वाले के लिए भी होने चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस। तो इसको मैंने बॉक्स का नेम भी, नेमिंग भी कर सकते हो, इसका लेग नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट लेग आप ऐसे करना, फ्रंट लेग, ठीक है, मैंने ये कर दिया, ओके कर दूंगा इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे देखना है, तो आपको ये देखो एक जगह से इधर ज्यादा, इधर कम है और इधर ज्यादा है शायद ना, तो इसको टॉप व्यू से ही आपको मैनेज करना है। देखो टॉप व्यू से आपको यहाँ इस वाली लाइन से और इतनी कम गैपिंग दिख रही है यहाँ ज्यादा ना, तो आपको इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर खींच लेना। अब मेरे ख्याल से ठीक है, तो ठीक आ रहा है, इतना ही ना आइडिया से मतलब इतना कर दिया। डन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी को, किसको, जो ये फ्रंट लेग है, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, ये सेलेक्ट किए और क्या करूंगा, पीछे की तरफ ड्रैग करूंगा, ये मैंने ड्रैग किए पीछे की तरफ, ठीक है। और क्या करूंगा इनको, नहीं इस बार, क्योंकि वहां चेंजेस आएंगे, ये आगे के तो दोनों एक जैसे रहेंगे, पीछे हो सकता है कि वो बेस फोन ऊपर तक जाए, तो यहाँ फ्रंट में भी आ जाएंगे, तो इसको इंस्टेंस की जगह हम क्या करेंगे, कॉपी, इसको कर देंगे हम बैक लेग, ठीक है, हमने ऐसे नाम दे दिया इसको, ओके कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप इस इमेज को देखोगे, इस इमेज को, तो मैंने क्या बताया कि ये थोड़ा इसके बराबर से आ रहे हैं, देखो यहाँ ना, बट जबकि ये फ्रंट वाले अंदर रहे, समझ गए, ये इसके बराबर से शुरू हो रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, बैक साइड वालों को बाहर उसके बराबर पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए मैं इसको साइड कर देता हूँ, यहाँ पे आए, पर्सपेक्टिव व्यू देखा आपने, तो आप टॉप व्यू से भी इसको मैनेज कर सकते, टॉप से करते, ठीक है। टॉप से मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, अब मुझे ये एक्यूरेट यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला जो कॉर्नर है ये ठीक यहाँ पे चाहिए, तो मैं अगर यहाँ से स्नैपिंग का यूज करता हूँ, तो स्नैप होता है यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ये 3 पॉइंट स्नैप दिखा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके पहले क्लिक किया, देन राइट क्लिक करूंगा, यहां से मेरे पास वर्टेक्स मोड ऑन होना चाहिए, किसी में नहीं होगा तो यहाँ पे वर्टेक्स पे चेक कर लेना। अब हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड यहाँ पे ये लिया है, मैं इसको क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब यहां से मैं जैसे ही एस प्रेस करता हूँ, एस प्रेस मतलब ये देखो एस से हटते हैं और वापस आ जाता है, बट आप ये कहाँ पे काम कर रहे हो, टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू में जब काम कर रहे हो तो आपको 3 पॉइंट स्नैपिंग की जगह क्या करना है, 2.5 स्नैपिंग यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद आप इसे क्या करोगे, यहां से ड्रैग करोगे तो यहां पे ठीक एक्यूरेट आ जाएगा वो, वहां पे देखो ये, ठीक है, ये किससे आया, 2.5 स्नैपिंग से। अब यहां देखो बिल्कुल एक्यूरेसी में वहां पे आ गया, ठीक है। अगर सपोज करो मैं टॉप व्यू में ही काम कर रहा हूं और 3 पॉइंट स्नैपिंग का यूज कर रहा हूँ, तो तब ये एक्यूरेट नहीं आएगा, वो पता नहीं कहाँ लेके जाएगा उसको। देखो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे, इस बार मैंने क्या किया, 3 पॉइंट स्नैपिंग किया, और इसको मैं कहाँ पे लेके जाना हूँ, यहाँ पे ना, तो लेट्स सी देखो क्या होता है। हाँ मैं इसको लेके गया यहाँ पे, क्या हुआ, इसने ऊपर ले आया, देखो उसका ये जमीन से यहाँ दिखा था, मैं एक पाँव उसका ऊपर चला गया, तो इसलिए आपको टॉप व्यू से कौन सा स्नैपिंग यूज करना है, 2.5, 2.5 यहाँ पे 2.5। तो इसको मैं पहले अंडो कर लेता हूँ, जहां पे ये पहले था यहाँ पे था, इसको क्या करना है 2.5, और तब उसके बाद क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा, तो वो एक्यूरेट उसके जड़ वाले पे ही उसको प्लेस करेगा। इतना समझ आया। अब एक चीज और बताता हूँ मैं इसमें, कि जब आप 3 पॉइंट स्नैपिंग का यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप पर्सपेक्टिव व्यू में होनी चाहिए, तब करो आप 3 पॉइंट स्नैपिंग का यूज। तो सपोज करो मैं अंडो करूंगा, ठीक है, ये है ना यहाँ पे है, अब मैं किसका यूज करूंगा,
3.5 स्नैपिंग का, क्योंकि मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर रहा हूँ ना ऐसे, वहाँ पे तो ऐसे एक्यूरेट था, यहाँ पे क्या करूँगा 3 का इस्तेमाल। अब देखो इस वाले को सिलेक्ट किया मैंने और ड्रैग करके मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये किस 3 पॉइंट स्नैपिंग कहाँ यूज होगा, पर्सपेक्टिव व्यू में जब आप काम कर रहे हो, और बाकी बाकी में 2.5 और 2 कौन से वाले में, जो टॉप फ्रंट और उसमें, ताकि वो प्रॉपर, हाँ ठीक है, हाँ वो अपने आप ही उसको करेगा। तो आपको ये समझ आया, तो इसलिए आपने ये करना है, ये पीछे के आपको मिल गए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पीछे के पार्ट पे अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, पीछे का पार्ट ये है ना, इसको सेलेक्ट किया मैंने, अब एक एज को सॉरी एक बॉक्स को सिलेक्ट किया, पीछे का लेग है ना जो, उसके वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा मैं टॉप वाले, तो मैंने टॉप वाले सेलेक्ट किए। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा हाइट ऊपर की तरफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बेस चाहिए, पीछे का बैक चाहिए ना इसका, तो मैं इसको सेलेक्ट, अब यहाँ पे देखो ये जर्क के साथ ऐसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आप स्नैपिंग मोड पे हो, अब आपको स्नैपिंग से हट जाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको खींचना है ऊपर, ये देखो, ये देखो बैक साइड के दिख रहे हैं, इसको मैं ऊपर खींचूंगा, तो देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने ऊपर खींचा, तो दोनों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं दोनों, क्योंकि मैंने कॉपी नहीं स्नैपिंग, ओ सॉरी स्नैपिंग नहीं इंस्टेंस, फ्रंट में किया था। अब आप नहीं समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, हाँ मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने क्या किया, सिर्फ एक पाँव बनाया ना फ्रंट का, जैसे फ्रंट का लेग बनाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये फ्रंट के दोनों एक जैसे रखने हैं, तो मैं उससे पहले कन्वर्ट पॉली कर देता हूँ, मैं कन्वर्ट रेटेबल पॉली कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी को उधर खींचा, दूसरा पाँव मुझे एक जैसे चाहिए ना दोनों, तो मैंने क्या किया इंस्टेंस कर दिया, डन। अब उसके बाद इन्हीं की कॉपी लेके गया मैं पीछे, ठीक है। अब मैंने वहां जाके क्या किया, कॉपी, क्यों, क्योंकि अगर मैं उनको इंस्टेंस ही करता हूँ, इंस्टेंस ही करता अगर उनको, तो तब क्या होता, ओके कर दिया सपोज मैंने इंस्टेंस ना। अब मैं ये इसमें चेंज कर रहा हूँ, देखो इस वाले में चेंज कर रहा हूँ, पीछे वाले ये आगे वाले भी हट रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए क्या किया, जो फ्रंट के थे इन्हीं को, इन दोनों को सिलेक्ट किया, क्योंकि इन दोनों में इंस्टेंस है, मतलब एक साइड का इन्हीं की कॉपी बनाई पर उसमें इंस्टेंस नहीं लिया, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया था, इनको कॉपी बनाया था, कॉपी, ठीक है। तब उसमें मैं एक में चेंज करूंगा, उधर पीछे वाले का ही इफेक्ट पड़ेगा आगे वाले का, क्योंकि इनकी कॉपी बनाई हुई है बट इंस्टेंस उन दोनों में है, ठीक है। अब इसको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपको इतना समझ आ गया। अब मैंने क्या किया, ये बना दिया, डन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हाइट लगभग आपको लग रहा है ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें यहां पे कट लगाना है, देखो ये, देखो ये वाला कट लगाना है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ओवरलैप हुआ है, दिख रहा है आपको, ये ओवरलैप हुआ है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, किसको, इस वाले को, इस बॉक्स को, और क्या करूंगा, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अब पॉली करने के बाद मैंने क्या बताया था, कि मैं अप्रोक्स इस जगह पे क्या चाह रहा हूँ, एज, इसको कट करने के लिए ना, तो मैंने एज मोड पे आया, और यहाँ पे आपके पास एडिट बटन होगा, एडिट में स्विफ्ट लूप है। अब यहाँ पे टॉप में चले जाइए आप, टॉप व्यू में, ठीक है। टॉप व्यू में यहाँ से देखिए, पहले आप इधर पीछे की तरफ लेके जाएंगे ना, पीछे ये देखो दिख रहा है कुछ, जूम करके भी आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। ये कट लगा दिया मैंने, दोनों के लिए आ गया, ठीक है। अब इधर की साइड से देखो, इधर की साइड से मुझे यहाँ पे कट चाहिए, और सेम इधर की साइड पे भी हमें कट चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस मोड से हटा, इस मोड से, एज मोड से। अब मैं इसको क्या करूंगा, केवल मुझे ये नहीं दिखाने, केवल ये वाले वर्क पे, इस पे काम करना है जो हमारे पास बेस है। इसको मैं ऑल्ट क्यू करता हूँ, ऑल्ट क्यू का मतलब होता है आइसोलेशन, मतलब जहाँ पे मल्टीपल चीजें होंगे उनसे वो उस सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को अलग कर देगा, तो ऑल्ट क्यू, ठीक है। अब मैं क्या करना है, ये वाला पॉलीगॉन नहीं चाहिए इसमें ना, तो मैं ये पॉलीगॉन ये सिलेक्ट किया, और ये सेम उधर का पॉलीगॉन सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इनको शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग करूंगा, तो ये वहां से हटा देगा इनको,
हट गए, दिख रहा है? अब आपको क्या करना है, वापस उस मोड पे आ जाना है जहां सब दिख रहे हैं, तो यहां पे क्लिक करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन ऑल्ट क्यू। अब देखो ये, देखो ये बन गया, इतना सबको समझ आ गया होगा। अब मुझे बैक साइड वाला ये पोर्शन, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन क्या चाहिए, थोड़ा सा बेंड चाहिए, है ना, हल्का सा बेंड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, इस वाले लेग को, और इसमें क्या करूंगा, सेगमेंट बढ़ाऊंगा, ठीक है, सेगमेंट बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें सेगमेंट नहीं है। तो मैं अब फ्री के साथ दिखाऊंगा आपको, तो इसमें ये खड़ी सेगमेंट नहीं है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एज मोड पे आना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे सेलेक्ट करने का मतलब जो खड़ी एजेस हैं इस लेग की, वो सारे के सारे सिलेक्शन में आ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्ट कनेक्ट देना है। अब आप बोलोगे नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप एक को सिलेक्ट करना और यहाँ से रिंग कर देना, तो ये भी वही काम करता है। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, जैसे मैंने इसको एक को सिलेक्ट किया, ऑल्ट आर करना है, मतलब एक को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको एज को, और फिर ऑल्ट आर, या फिर सेलेक्ट किया रिंग, या फिर ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने इसमें खड़ी एजेस डालनी है। कौन सी वाली, जो हाइट में ऐसी खड़ी एजेस जा रही है, उनको हाइट एजेस बोलते हैं ना। तो हमें क्या करना है, अब ये सिलेक्शन में है सारे, कनेक्ट क्लिक किया, तो कनेक्ट देखो बीच बीच में आ गया। मुझे ये तकरीबन मल्टीपल चाहिए, देखो अब इधर बढ़ा रहा हूँ मैं, उधर भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि वो इंस्टेंस है, ठीक है। मुझे ये 40 के आसपास चाहिए समथिंग, ये 36 के आसपास, मैं इसे ओके कर देता हूँ, डन, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, किसी एक को मतलब इस वाले में मुझे बेंड मॉडिफायर का इस्तेमाल करना है, या फिर FFD मॉडिफायर का इस्तेमाल करूंगा मैं, किसका, FFD। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, F4 मोड पे आया वापस, ठीक है, जहां मुझे ये ऐसे में दिखेगा। तो मैं इस पे क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, FFD, यहाँ पे कर दूंगा मैं FFD बॉक्स, क्या है ये देखो, ये तो FFD बॉक्स मैंने इसमें अप्लाई किया, उसमें भी हो गया, क्योंकि इंस्टेंस है। अब इसमें जो वर्क करोगे ऑटोमेटिकली उसमें होता जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस वाले व्यू पे चले जाइए आप, इस वाले लेफ्ट वाले व्यू पे, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, FFD के कंट्रोल पॉइंट्स पकड़ने, देखो FFD पे यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल पॉइंट्स पकड़े, और ये वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, ये वाला, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, बिट बिहाइंड, ठीक है, दिख रहा है। और सेम चीज डाउनर के भी, ठीक है, आगे समझ में, बस आपने इतना ही करना है, बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना हमें, इतना काफी है, दिख रहा है ना, आगे समझ में। और इसको क्या करना है, फिर इसको इस जैसे हम कोई इफेक्ट जनरेट करते हैं, उसको मर्ज कर देते हैं ना, तो वही सेम चीज यहाँ पे इसको इसमें एडिटेबल पॉली में मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना, इसको कर देना कोलेप्स टू यस, क्या हो गया, वो मर्ज हो गया, इट मीन्स कि जो यहाँ पे मॉडिफायर था वो इसमें मर्ज हो गया, आप ये दोबारा वापस नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि आपने ये बना लिया है ना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहां पे आपको क्या चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, फट्टे चाहिए ना, सपोर्ट जैसा उसमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे, किसका, इस किसी एक का डुप्लीकेट ले लेंगे। तो ये वाला है जो मैंने सेलेक्ट किया ना, इसका मैं एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, कहाँ पे, जस्ट यहाँ सेंटर में ले आया। बट इस बार मैं क्या करूँगा, नहीं कॉपी, क्योंकि वही उसी में चेंजेस होंगे ना उसमें, क्योंकि मैं इसी से क्या बनाना चाह रहा हूँ, पीछे की ये जो है ऐसे, तो इसलिए मैंने अगर इसे ऐसे करूँगा तो उसमें भी चेंजेस होंगे। तो हमें क्या करना है, कॉपी, और इसको मैं क्या करूँगा, बैक पैनल या कुछ नाम दे दिया इसको ना, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इस वाले को सेलेक्ट किया, यहां पे मैं वर्टेक्स मोड पे जा रहा हूं, ठीक है। वर्टेक्स मोड पे जाने से पहले मैं क्या करूंगा, यहां देखो फ्रंट से दिख रहा है, फ्रंट से दिख रहा है मुझे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी के बराबर पे देखो ये आ रहा है ना, क्योंकि मैंने इसलिए 20 से हो लिया, मैं ये वाला पोर्शन ऊपर का डिलीट कर रहा हूँ। क्या कर दिया मैंने, डिलीट,
अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो ये रहे, तो मैं फिर इसके बाद ये वाला डिलीट कर देता हूँ ये बटन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे कहाँ तक है, यहाँ तक ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ वाला भी ये वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दो तो छोड़ के, दो दो, और यहाँ पे भी दो छोड़ के ये वाला डिलीट, अरे समझे। बस उसमें एक है, बट अच्छा एक है, हम चेयर के अकॉर्डिंग चल रहे थे ना, इसमें दो है, बट हम मल्टीपल भी बना सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे, मतलब आप वैसे भी कर लेना, ठीक है। मैंने क्या किया, ये कर दिया। मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, इस वाले को, नीचे वाले को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो डिलीट मैंने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन डिलीट कर दिया, ये सारा ही हो गया, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है ये, है ना। उसके बीच से मैंने पॉलीगॉन वर्टेक्सेस हटाए हैं, बट ऑब्जेक्ट एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बताया था, ये काम आता है कौन सा, एलिमेंट। तो एलिमेंट इस पर क्लिक करना और यहाँ से डिलीट, अब वो बाकी बचे हुए हैं, डन। नेक्स्ट, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जहाँ पे बॉक्स के एजेस या वर्टेक्सेस डिलीट होते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है, बॉर्डर, ठीक है। तो अब बॉर्डर पे जाऊँगा मैं, ये देखो अब बॉर्डर जैसे ये मिल गया, ठीक है। इसके नीचे का भी होगा, दिख रहा है। तो आपने सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, देखो ये, तो इसने देखो ये रेड रेड सब सेलेक्ट कर दिए, दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसको क्या करेंगे, कैप, यहाँ पे क्या कर देंगे, कैप, कहाँ पे है कैप, ये देखो। जब भी आप कैप, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, जब आप उसका यूज कर रहे हो बॉर्डर का, तभी आपको यहाँ पे कैप मिलेगा। कभी ऐसा होना हो कि आप कुछ डिलीट किया और एजेस सेलेक्ट कर दिए और कैप ढूंढो, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसमें मिलेगा, किसमें, बॉर्डर में। इसको कैप कर दिया, देखो। अब कैप करने के बाद क्या होगा, इसने हाँ फिल कर दिए वो, तो देखो आगे, यहाँ देखो फिल कर दिया ना इसने, ये देखो। अंडो करता हूँ मैं यहाँ से, देखो फिर कैप ऐसे किया, तो ये आ गए, समझ गए इतना। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों साइड ये क्या है, देखो इक्वल इक्वल उसके जा रहे हैं थिकनेस, मतलब जितनी इसकी ये विड्थ है, और जितनी जितनी लेंथ है और जितनी विड्थ है उसके हिसाब से चल रहा है। इतनी लेंथ देखो, इधर मुझे ये थोड़ा सा अंदर करने हैं, क्योंकि यहाँ इमेज में भी देखोगे तो ये क्या है, थोड़ा सा अंदर से दिख रहा है ये, उतनी विड्थ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आऊंगा टॉप में, टॉप में आके मैं क्या करूंगा, इसको ऑब्जेक्ट मोड पे, ऑब्जेक्ट मोड कैसे आता है, सपोज आप इससे पहले बॉर्डर मोड पे था ना, तो ऑब्जेक्ट मोड पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मोड क्लिक करना है इस पे, तो सब एडिट डबल बोली, तो ये ऑब्जेक्ट मोड दिखा देता है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पतला, दिख रहा है आपको ये जेड एक्स, ये वाला कौन सा, वाई एक्सिस, यहाँ से आप आर फोर स्केल क्या करेंगे, स्केल करेंगे, इसको आप क्या करोगे, आर फोर स्केल। तो ये क्या आ रहा है, यहां दिखा रहा है इसका पिवट पॉइंट, तो इसको मुझे ऊपर करना है, तो क्या करूंगा, देखो मैं यहां से ऐसे करूंगा तो पता नहीं लग रहा ना कि वहां पे हो रहा है नहीं, तो उसके लिए मैं यहां पे आ रहा हूं, तो ये हट जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका पिवट पॉइंट यहां कर देंगे। अब वो यहां क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहां तक था ना फुल बेस से। तो अब इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा किस पे, हायरार्की पैनल पे, तीसरा पैनल हायरार्की पैनल है, यहाँ पे आके क्या करूंगा, अफेक्ट पिविट, मतलब पिविट को हम अफेक्ट कर रहे हैं, इस पे क्लिक किया, और उसके बाद सेंटर टू ऑब्जेक्ट इस पे क्लिक कर देंगे, तो वो क्या कर लेगा, वहां पे सेंटर कर देगा उसको। और फिर क्या करेंगे, इस मोड से हटेंगे, तो इसे अनचेक कर देंगे, तो आपके पास ये आ गया, दिख रहे हैं। अब इस जगह से आप क्या करोगे, इसको थोड़ा पतला करोगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा रोटेट, यहां से रोटेट आ रहा है आगे सेंटर में ये। अब यहां से फिर एक बार और कर लो, और इसको क्या कर दो, फिर एक बार रोटेट, दैट्स इट, परफेक्ट, ठीक है, आपने कर दिया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको ये क्या चाहिए, इसके बराबर पे यहां पे मिलने चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो आपको आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, डब्ल्यू प्रेस करना है, डब्ल्यू मतलब मूव टूल, फ्रंट में आएंगे और फ्रंट व्यू से क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स मोड पे जाएंगे। तो वर्टेक्स आपने क्या किए, ये वर्टेक्स इधर सब एक साथ पकड़े, इसको ड्रैग कर दिया कहां तक, इस जगह तक जहां पे ये मैच कर रहे हैं लगभग। और आपको ओवरलैप नहीं कराना, ऐसे नहीं कि आपने इसके अंदर कर दिया, आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने,
बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जूम करके, मतलब जितना जूम हो सकता है वो करके इस लाइन के आसपास रखना है। दिख रहा है लास्ट लास्ट में जूम में इतना कर दिया, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आप इसको भी सेम चीज करोगे इधर की तरफ। आ रहा समझ में क्या हो रहा है? समथिंग है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इसके बीच में मुझे क्या चाहिए, एजेस चाहिए। ऑल्ट क्यू करता हूं मैं इसको, ऑल्ट क्यू मतलब जो सिलेक्शन में है पीछे वाले, ये वाले सिलेक्शन में जो कि वर्किंग कर रहा था मैं, ऑल्ट क्यू, ऑल्ट क्यू में ये आ गया ना। अब आपको क्या करना है, एज मोड पे जाना, ये ऊपर के ये सारे ये पकड़ लेना, इसके बीच में मुझे सेगमेंट चाहिए ऐसे वाले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये सब के सब एक साथ सेलेक्ट कर दिए। अब क्या करूंगा, कनेक्ट, बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना कर देना। ठीक है, कितने, 12 12, समझ आ गया, इतना तो आ ही गया होगा समझ। अब नेक्स्ट मेरा ये वाला बैक साइड का पोर्शन बन गया, ये बन गया। अब रहता क्या उसमें, इसमें अब क्या चीज रहती है, ये वाला है ना, दिख रहा आपको ये कौन सा वाला, ये और ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ टॉप व्यू में जाऊंगा। ठीक है, ये देख रहे टॉप व्यू, यहां से मैं क्या करने वाला हूं, लाइन टूल लूंगा। ठीक है, इस पे गया, यहां से ये दूसरा यहाँ पे आता है लाइन टूल, तो ये लाइन टूल लिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ से ध्यान तो देखना, ध्यान से बिल्कुल इस वाले अंदर की, अंदर वाली चेयर की यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कहाँ से, यहाँ से। तो किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं, स्नैपिंग के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कौन से व्यू में कर रहा हूँ, 2.5। तो यहाँ से देखो इस जगह से स्टार्ट होगा ये, तो मैंने क्या किया, स्नैपिंग ऑन है, लाइन लिया, यहाँ देखो वर्टेक्स टू वर्टेक्स जाएगा ये, एक दो, फिर ये बाहर का है ना वर्टेक्स। ठीक है, ये अब इसी दे गया अगला यहाँ पे, जहाँ अच्छा शिफ्ट दबा सकते हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोई, यहाँ पे वो नहीं है वर्टेक्स नहीं है ना, तो इसलिए वो नहीं दिख रहा, जहाँ पे वर्टेक्स होगा वहाँ पे अपने आप ही वो स्नैप करेगा उसको। सपोज यहाँ पे कर दिया मैंने अभी, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे किया, हल्का सा इधर, और एक बार मैं ऐसे लेके जाऊंगा सीधे। ठीक है, जैसा एल शेप उसका है ना, वैसे मैं कुछ स्टेप को बना रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखा मैंने, हल्का सा इधर क्लिक कर दिया, अभी देखो ये ला रहा हूँ मैं। अब इसको फिलहाल यहाँ पे ले आना, कहाँ पे था, हाँ यही है ना ये। फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, और लास्ट में इससे जोड़ देना, यस कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो आपको ये दिख रहा है नीचे पेस, यहाँ पे आ गए हो। अब इसको क्या करना, आपने इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड करना है। क्या करना, एक्सट्रूड, ताकि इसमें ये लाइन से ऐसे मिल जाए, अभी लाइन दिख रहा है ना जैसे ये वाला, ऐसे ऊपर की तरफ मिल जाए। इसको क्या करेंगे, E4 एक्सट्रूड आया इसमें। तो एक्सट्रूड में हम क्या करेंगे, ये कैप और ये कैप एंड दोनों हटा देंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू है देखो, अमाउंट तो कितनी थिकनेस थी इसकी, 3 है ना, तो इतनी ही इसको देंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। क्या कर दिया मैंने, आया कुछ। ठीक है, और नेक्स्ट मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग इट अप टूवर्ड टू 45 सेंटीमीटर, बेस पे है ना, तो यहाँ पे कितना है, कितने सेंटीमीटर में, 45 सेंटीमीटर में मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो 45 में से 3 कम कर दो ताकि वो यहां तक आ जाए, कितना था 45 में से 3 कम, 42। तो इसको क्या कर दो, 42 आ गया। अब सब चीज कैलकुलेशन के साथ हो रहा है ना, तभी पता लग रहा है, नहीं तो हम ये, अब यहां देखो इधर से, पर ये पतला है ना अभी, इधर से भी देखेंगे, इधर इधर थोड़ा मिसमैच है, यहां पे मिसमैच है।
तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया मैंने, किसको, इस वाले को। यहाँ पे मैं लाइन टूल में वापस गया और क्या किया मैंने, वर्टेक्स लिया। तो वर्टेक्स को कहाँ लेके जाऊंगा मैं, इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, इन दोनों वर्टेक्सेस को लाइन के ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर खींच रहा हूँ, ठीक है, और इसको लेके जा रहा हूँ मैं। अब इसको भी पकड़ लो, इन इनको इसके अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ मैं, किसके, दिख रहा है आपको ये। फिर आप इसको क्या करोगे, इस वाले को थोड़ा यहाँ पे, और इस वाले को, इस वाले को और बाहर की तरफ करना हो तो कर लेना, क्या चीज, ठीक है। टॉप से देखो, टॉप से जरूरी हो जाएगा कि ये बाहर की तरफ चला जाएगा, बट आप इसको अंदर रखना चाहो तो अंदर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, इधर ऐसे कर देना सीधी लाइन पे, ठीक है। या तो ठीक आ रहा है ये वाला, कौन सा वाला है, सिलेक्शन ये वाला, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब मैं एक्सट्रूड पे वापस आऊंगा, तो अब देखो अप्रोक्स उसके साथ मैच करता हुआ आ रहा है ना, हल्का सा अंदर चला गया थोड़ा, इसको क्या करेंगे, हल्का सा, अब ठीक है, इधर का भी ठीक है, इधर का भी ठीक है, आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल पतला है ना, इसको सेल देना है। क्या करेंगे यहाँ पे, SHE LL, देखो सेल, सेल से क्या आता है, थिकनेस। अबे थिकनेस कहाँ दिया इसने, बाहर की तरफ, हमें बाहर की तरफ नहीं चाहिए, नहीं तो ये खराब कर देगा आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट को 0, इनर अमाउंट कितना कर देंगे, तकरीबन 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जो उसमें है, तो कितना करेंगे, 3। अब देखो यहां देखो आ गया। अब यहां पे एक और चीज करना कि 3 सेंटीमीटर तो ठीक है, यहां पे इसको जो सेल डाला ना, इसमें यहां पे लास्ट में स्ट्रेट एंड कॉर्नर कर देना, ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से वर्क करेंगे, तो आपके पास मुझे लग रहा है ये वाला पीछे का पोर्शन ना थोड़ा और पीछे आना चाहिए ये वाला ना, तो आप इनको अनचेक करना, मतलब आईज क्लोज कर रहा हूँ मैं, वो अप्लाई तो है ही उसमें, इसको सेलेक्ट करना और इसको सेलेक्ट करना, और दोनों को टॉप व्यू से देखना, टॉप से इन दोनों को क्या करना, थोड़ा पीछे की तरफ, कहाँ तक, जहां तक ये वाला पोर्शन गया, कौन सा वाला, यहाँ तक, ठीक है, इसको इतना कर देना। तो उसके बाद आपको इनको ऐसे करना है जैसे वापस थे, वो थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा तो अच्छा लुक आ जाएगा उसका, ठीक है। अब आ रहा है ना, इसकी मेरे ख्याल से 3 थिकनेस ज्यादा हो रही है इसका, इसको कर देंगे, इसको 2 के आसपास रख देंगे, 2 भी ज्यादा हो रहा है, इसको 1.5, इतना ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये देखो अगला स्टेप क्या होगा, सारी चीजें तो हमने बना दी, एक बेस यहाँ पे तो भी रहता है क्या, है ना, वो भी अभी बनाते हैं, ये वाले हैं बस, यही तो बचा हुआ है, ठीक है। अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सेम मैं इस वाले को कॉपी करता हूं, किस वाले को, इसी को कॉपी करता हूं मैं, इस वाले लेग को, ठीक है, किस वाले लेग को, ये वाला। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे खींचा, ठीक है, और क्या कर दिया इसको, कॉपी रखा, इसको कर दिया मैंने साइड सपोर्ट, ठीक है, मैंने ये कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आया इस वाले व्यू में, दिख रहा है, इसको क्या करूंगा, यहां से सेलेक्ट किया, ठीक है, ये अब इसको जमीन से कितना ऊपर उठा दूंगा, जितना इसमें है, तकरीबन 5 सेंटीमीटर, 5 देखते हैं, 5 सेंटीमीटर करते हैं, ठीक है, 5 या 7 कर दो, इतना ठीक है,
सबको समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसके वर्टेक्स मोड पे जाना है, तो जो ये वाला वर्टेक्स है, ये वाले वर्टेक्सेस आगे खींच देने, और कहाँ तक रखने हैं, जूम करके देखना है कि उससे इधर ना जाए, इतना ठीक है, समझ तो आ रहा है ना सबको। फिर इसको बैक साइड लेके खींचा मैंने, और यहां पे देखो अभी इसमें क्या, देखो ये डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसको हमने क्या किया था, अब इसको ऐसे कैसे करेंगे, इस वर्टेक्स को खींचेंगे और ऊपर को एज इट इज रहने देना, नीचे वाले को ऐसे खींच देना एक एक करके ना, जूम करके देखना आपने कि बिल्कुल वो उससे टच होता हुआ दिखे हमें, ठीक है, हो रहा है ना। इधर से भी हम ऊपर वाले से भी सेम चीज करेंगे, देखो यहाँ ओवरलैप हो गया, इसको क्या करेंगे, दैट्स इट। और कुछ है, इस वाले में गया हुआ है शायद अंदर ना हल्का सा, तो दोनों को हम कितना कर देंगे, हाँ तो गया होगा, समझ गए, नहीं आया। अब यहां देखो, यहां से तो ठीक आ रहा है, बट यहां क्या हो रहा है ना, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पॉलीगॉन को लेंगे और किस वाले व्यू में जाएंगे, ये हमें कौन सा व्यू दिख रहा है, फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट है ना। अब हम जाएंगे बैक व्यू में, तो देखो फ्रंट व्यू ऐसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो फ्रंट व्यू से पता नहीं लग रहा ना, ऐसे देखो आइडिया से हमें इधर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट को बैक करेंगे, क्योंकि तो फ्रंट भी जाएंगे, तो इसको क्या कर देंगे बैक। अब इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें वो कहाँ पे प्लेस करना है, दिख रहा है, कहाँ पे प्लेस करना है हमें, इधर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूंगा, हरा को समझ। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लोज नहीं देख रहा है कि वो उससे, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसकी थिकनेस और ये यहां से है, आधे से, मतलब ये पतला है, अरे समझे, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये वाला बाहर का और ये वाला, देखो कौन सा वाला, ये मैंने फ्रंट के पकड़े हैं बटेक्सेस, और यहाँ के बैक साइड के भी, इनको क्या करूंगा, बिट समथिंग, और ऐसे ही उधर वाले भी करने हैं आपने, कौन से वाले, ये वाले और ये वाले, कौन से वाले, ये वाले, इनको भी आप क्या कर दोगे, थोड़ा सा अप्रोक्स आ गया ना, ज्यादा नीचे लग रहा है क्या, इतना ठीक है, इतना ठीक है ना। अब यहां से आप इनको मोड़ कर, अब इसी को आप उधर लेके जाओगे, शिफ्ट के साथ आपने कॉपी किया, अब वो क्या रहा है, इसको ओके कर देना पहले कॉपी। अब यहां पे देखना, इधर तो ठीक आ गया बट इधर मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर, मिरर किया, अब इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा, मिरर का जानते हो शीशा जो आपको रिफ्लेक्शन दिखाता है उल्टा दिखाता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐसे था इसलिए मैच नहीं हो रहा था, अब ठीक है, अब ये आ गया देखो सब कुछ आपके पास, है ना। अब इसको लास्ट लुक देना है आपने, मतलब फाइनल लुक, तो कैसे देंगे इसको, पूरे को पहले आप एक काम करना, सेलेक्ट किया इसको एक ही जैसा कलर दे दो, आप क्या कर दो, एक ही जैसा कलर, है ना। अब इसको स्मूथ करने है, तो इसमें चैम्पर का इस्तेमाल करना है, मैं क्या करना है, चैम्पर का, देखो कैसे करते हैं चैम्पर, चैम्पर का इस्तेमाल, इसका कलर चेंज कर दो, मैं इसका कलर चाह रहा हूँ सिंपल ऐसा, दिख रहा है आपको ये, तो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, एक 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 करके अपने चैम्पर करना है इसमें, तो मैं सबसे पहले
इस वाले को पकड़ता हूँ, इस वाले को, ये को, और इसको क्या करूंगा, चैम्पर। तो यहाँ पे CHAMP, चैम्पर। तो चैम्पर मैंने जैसे इसमें अप्लाई किया तो इसने चैम्पर की वैल्यू को ऐसे कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ज्यादा हुआ इसका अमाउंट, ठीक रहा है। इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, बट यहाँ भी ध्यान देना हमें कि जहां पे ये पोर्शन है ना, ये दिख रहा है, ये वाला, ये प्रॉपर आ जाए जब तक, तब तक हम इसको कम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आया, ये थोड़ा अंदर खिसक गए क्या, दोनों अंदर खिसके हैं क्या ये, शायद, या ये ऊपर का खिसका हुआ, ये दिख रहा है, ये कुछ खिसक तो गया कहीं कहाँ पे, ये इसको नोट करना। देखो हाँ, ये खसके हैं क्या, हम प्रॉपर लगाए थे, ये देखो थोड़ा खसक गए। तो आप इसको क्या करोगे, पहले मैनेज करोगे, देखो हल्का सा, पर नीचे वाला भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये यहाँ पे था दिख रहा है, इधर का भी देख लेंगे कि अंदर से, इधर से तो ठीक था, बट ये तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिख रहा है ओवरलैप हो रहे थे ना, ठीक है, तभी वो ये वाला ना प्रॉपर नहीं आ रहा था चैम्पर। अब यहाँ पे चैम्पर की वैल्यू देखो, मैंने हल्का सा ऐसा कर दिया, आ रहा है वहां पे देखो, अब ये पता लग रहा है कि वहां पे कॉर्नर है और अलग है, दिख रहा है ये, इसलिए अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, वहां पे सेगमेंट बढ़ाना है, तो ऐसे कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो ठीक है ये वाला तो ओके हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखो इनमें गैपिंग आ गई, क्योंकि वो मैंने थोड़ा पीछे खिसकाए थे ना, तो आप एक इनको क्या करोगे, फिर इस व्यू में जाके थोड़ा इनको मैच कराओगे, ठीक है, दूसरा वाला भी करना है, दूसरा वाला, क्योंकि कॉपी नहीं बनाया था ना हमने, ओ सॉरी इंस्टेंस, दूसरा वाला भी डिस्टेंस नहीं होगा, तो उसको भी ये देखो, दिख रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हमने जो चैम्पर दिया है ना, चैम्पर की स्मूथनेस दिख रही है आपको इसमें, अब सेम चीज यही चैम्पर, पहले आपने देख लिया कि प्रॉपर हो गया है, ज्यादा चैम्पर तो नहीं करना इतना, ठीक है, ठीक है, यही चैम्पर आपने हर जगह अप्लाई करनी है सब पे। तो अगला मैं क्या करूंगा, इसी चैम्पर को उठा के इस वाले पे रख दूंगा, किस वाले पे, जो ये पीछे का लेग है, तो इंस्टेंस है ना दूसरा वाला भी, वो अपने आप ही उसपे भी चला जाएगा, दिख रहा है, इसपे भी हो गया और इधर भी हो गया। अब क्या बचता है, ये वाला फ्रंट वाला, तो इसी को सिलेक्ट किया और इसमें क्या कर दिया, ये चैम्पर इसमें भी अप्लाई कर दिया, किस वाले पे, ये आगे लेग पे, तो उसका इंस्टेंस दूसरा वाला है उसपे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। और सेम चीज आप क्या करोगे, इस वाले पे भी दोगे, किस वाले पे, जो ये बेस बनाया था ना, ये नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, इस वाले पे भी हम इसको, इसका चैम्पर डालेंगे, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसमें ऐसे कर दिया, ठीक है। और अब बचता कौन सा है, ये दो, यही है ना लास्ट, नहीं ये भी तो है, सपोर्ट है ना। अब क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट किया, किसी को भी मतलब सामने जो जो दिखता है ऐसे, इसको मैंने ड्रैग किया और इस पे चैम्पर कर दिया, ठीक है। फिर अगले वाले को इसका चैम्पर अगले वाले में भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बचता है, ये बैक वाले है ना, इनको क्या किया, इसी वाले सामने से चैम्पर उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो, दिख रहा है आपको, यहां से देख सकते हो ऐसे डिटेल, ऐसे लग रहा है ना कि बिल्कुल सफाई से काम हो रहा है, दिख गया। इसमें मैं ब्लैक, पूरा ब्लैक कलर डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए, चेक करने के लिए ना, दिख रहा है। अब यहाँ पे आके मेटल स्लॉट में जाना और यहाँ से इस पे कोई सा भी ये वाला कलर लिया मैंने,
या कल टेक्सचर डाउनलोड किया था मैंने ना, इस पर क्लिक करके जनरल बिट मैप पे जाना और डेस्कटॉप पे था शायद वो, ये वाला ना, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने इस पर अप्लाई किया। तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ एक साथ, तो क्या करता हूँ इस पर फिलहाल के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें देख सकते हो आप, अब मेन चीज देखो, यहाँ देखो ये जब ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, ये तो लगना चाहिए कि प्रॉपर आ रहा है। अब देखो ऐसे में देख सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एक्स के सामने ऐसे, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।